आज हम लोग Day 29 में NCERT का लास्ट चैप्टर देखेंगे, क्लास 11th का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने 30 डेज़ के अंदर ख़त्म करना था इसको, क्लास 11th को रिवाइज करके। तो आज हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको हम लोग वन गो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिसमें एंडोक्रिनोलॉजी सीक्रेट होती है ना, मतलब जिसमें हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जो किसी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट करवाए जाते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो उसमें क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दियर सिक्रीशन, और वो ग्लैंड क्या करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। डन। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। केमिकल दैट एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर, जो केमिकल होता है वो एक्ट करता है किसकी तरह, इंट्रा सेलुलर मैसेंजर की तरह। एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रीस अमाउंट्स, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रीस अमाउंट्स। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड पे आते हैं। दे इंक्लूड सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्लैंड है। आईलेट्स, लैंग्रहेंस, गोनेड्स जिसको हम टेस्टिस एंड ओवरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, इनसे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट, जो हमारे पास आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें क्या होता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स क्या होंगे, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स दैट इज न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रेट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हार्मोन, जैसे रिलीजिंग हार्मोन। कौन कौन से होंगे रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स दैट इज गोनेडोट्रोपिन, देन रिलीजिंग हार्मोन GnRH स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन विच इज FSH एंड LH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, इनहिबिट सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन दैट इज सोमैटोस्टैटिन्स, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन दीज आर द ट्रांसपोर्टेड एक्जोनली एंड स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। कौन स्टिमुलेट करता है इसको, थायराइड ग्लैंड, ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू सिक्रीट थायराइड हार्मोन। ठीक है बच्चे, टू स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन्स। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिंथिसाइज सिक्रेट स्टीरॉयड हार्मोन दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटीज इन मेल, FSH एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, इन फीमेल FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। दूसरा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटीज इन मेल, इट स्टिमुलेट सिंथिसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन एंड टेस्टिस, इन फीमेल इंड्यूस ओवुलेशन एंड मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम्स, मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम्स। पारस इंटरमीडिया इन ह्यूमंस इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पारस डिस्टलस। ठीक है, पारस इंटरमीडिएट किसके बीच में होता है, पारस डिस्टलस और पारस आपका एक आता है डिस्टलस और पारस, एक होती है इंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके बीच का जो होता है उसको हम पारस इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट मर्ज द पारस डिस्टलस, इट प्रोड्यूस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, एक्ट एज मेलेनोसाइट टू रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन। यहाँ से भी एक ग्लैंड है जिससे इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, और हार्मोन का नाम है MSH, जो स्किन पिगमेंटेशन को ठीक करता है। न्यूरो हाइपोफिसिस क्या होता है, न्यूरो हाइपोफिसिस जो है स्टोर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन दैट इज ADH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल्स इन फीमेल, इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शंस फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। वैसोप्रेसिंस आर एंटीडायरेटिक हार्मोन, ADH स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय DCT इन द किडनी एंड देयरफॉर रिड्यूस डायरेसिस, लॉस ऑफ वाटर थ्रो यूरिन्स। ठीक है, डायरेसिस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रो यूरिन। डेफिशिएंसी ऑफ ADH रिजल्ट इन द डेमिनिश एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंजर्व वाटर, इट लीड्स टू द वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है बच्चे,
जब ADH वाटर नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो डिहाइड्रेशन से वाटर ज़्यादा बॉडी लूज करेगी, तो उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। दूसरा, पेनियल ग्लैंड है हमारे पास, स्मॉलेस्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज़ लोकेटेड डॉर्सल साइड ऑफ द फोरवेन, सीक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन्स। फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट डायरल डायरिनल मतलब हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक रिदम को 24 आवर को सेट रखता है। स्लीप वीक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन्फ्लुएंस डिफेंस कैपेबिलिटी, ये सब किसके पास होता है? पेनियल ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इट इंक्लूड टू लोब्स ऑन द ईदर साइड्स, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, है ना। अब ट्रैक किया, द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद एस्थमस, दैट इज कनेक्टेड टिश्यू। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिकल सेल्स सीक्रेट द फॉलोइंग हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन? अब बच्चे आएंगे हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करके। थायरोक्सिन मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडोथायरोमीन्स T4 एंड ट्राई आइडोथायरोनाइन्स T3, टेट्रा और ट्राई, है ना। देयर फंक्शंस आर रेगुलेट वेसल मेटाबॉलिक रेट, फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, सपोर्ट RBC फॉर्मेशन, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। थायरोकैल्सिटोनिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, इट रेगुलेट लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन्स। आयोडीन इसेंशियल फॉर द नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है, इन थायराइड। हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, अगर क्या होता है हमारे पास आयोडीन की कमी हो जाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर हो सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन एडल्ट वुमेन, इट कॉल्ड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इफेक्ट द बेबी कॉजिंग स्टंटेड ग्रोथ, दैट इज क्रेटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, IQ लेवल, एबनॉर्मल स्किन, डीफ मेटिजम्स, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म्स क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या डिजीज़ आ सकती है आपकी? एक्सोथेल्मिक गोइटर, ग्रेव डिजीज़ होती है बच्चे, ठीक है। दूसरा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली कॉर्टिसोल्स, इट प्रोड्यूस फॉलोइंग कॉर्टिसोइड हार्मोन। इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, लिपोलिसिस एंड प्रोटीलिसिस, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मेनली एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को हम लोग एल्डोस्टेरोन बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम कॉर्टिसोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? ऑस्मेटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीशन ऑफ के पॉजिटिव एंड PO4 नेगेटिव। एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड क्या होता है? फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट कॉज एक्यूट वीकनेस एंड फिटिक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिशन डिजीज, ठीक है बच्चे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिशन डिजीज। एड्रिनल मेडुला क्या है? प्रोड्यूस कैटिकोलामाइन हार्मोन सच एज एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, एड्रिलिन बोलो या नॉर एड्रिलिन। दे रेपिडली सिक्रीट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन ऑफ फ्लाइट और फाइट, ठीक है। दीज इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपलरी डायलेशंस, पाइलोरेक्शंस, राइजिंग ऑफ हेयर्स, बॉडी के ऊपर हेयर राइज हो जाते हैं, स्वेटिंग, हार्ट बीट, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, ग्लूकोज इन ब्लड, आल्सो स्टिमुलेट लिपोलिसिस एंड प्रोटीलिसिस, ठीक है। बाकी ये भी करना है, पेनक्रियाज को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन बोलते हैं, दैट इज़ अ हेटरोक्राइन ग्लैंड, है ना, एक्सो प्लस एंडो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। 1.2 मिलियन आइलेट्स इतने होते हैं और पेनक्रियाटिक टिश्यू। अल्फा सेल, बीटा सेल, बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हमारा इंसुलिन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से। बोल रहा है कि ग्लूकोगन हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर एक्ट एज अ हेपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस रिजल्टिंग इंक्रीज ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसेमिया स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये याद करना पड़ेगा बच्चे आपको, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है डायबिटीज़ मेलाइटस, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन फॉर्मेशन हेल्पफुल लाइक कीटोन बॉडीज, ट्रीटमेंट इन इंसुलिन थेरेपी, तो बॉडी को इंसुलिन देनी पड़ेगी। टेस्ट इज मेल बॉनिड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल स्टोमेटल टिश्यू। फंक्शन ऑफ एंड्रोजन्स देखना है, लिबिडो इंक्रीज स्टिमुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का फंक्शन, प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन देखो,
हार्मोन ऑफ हार्ट, हार्मोन ऑफ हार्ट ठीक है, ANF और किडनी एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके हार्मोन्स देखो, मैकेनिज्म्स इसका देखो, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ठीक है, किस हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है। तो हार्मोन प्रोड्यूस द इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर टारगेट टिश्यू, ए हार्मोन बाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर टू फॉर्म रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इट लीड टू बायोकेमिकल चेंज इन टारगेट टिश्यू एंड बिहेवियर, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हार्मोन, जिसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो याद रखने तुमने। सेल की मेम्ब्रेन पे किस किस हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, प्रोटीन हार्मोन FSH इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, इट जनरेट सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP IP3CA2 पॉजिटिव, इट इंटर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए इस हार्मोन का रिसेप्टर जो होगा वो सेल की मेम्ब्रेन पे है, तो वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगा। बट अब यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये जो है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, मतलब कहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इसका, न्यूक्लियस के अंदर ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनसाइड द न्यूक्लियस ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम कम्युलेट बाय केमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट ठीक है। तो ये आपका था, ये आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का जो आपको याद करना है ठीक है बच्चे, और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इसके हम लोग करेंगे PYQs, फिर करेंगे इसकी वीडियोस, इसके NCERT एक्सरसाइज की वीडियो भी देखेंगे ठीक है, तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे ठीक है बच्चे। तो ये आपका 11th का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है, 29th डे पे जाके ख़त्म हो गया ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग 12th का स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर 1। थैंक यू बेटा।